हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और इस लुक को मैंने क्रिएट किया है ओनली 5 मेकअप प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो बहुत ही इजी मेकअप लुक है और बहुत कम प्रोडक्ट्स के थ्रू ये हुआ है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं मैंने फुल फेस मेकअप करने के लिए। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कि इस लुक को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा पहला प्रोडक्ट जो कि है ओलिविया पेनकेक, और मैं इसे एज अ कंसीलर और एज अ आई शेडो प्राइमर भी यूज़ करूँगी क्योंकि इसका कवरेज जो है वो बहुत ही अच्छा है और मैं कोई कंसीलर कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ओलिविया पेनकेक ही यूज़ करने वाली हूँ अपने पूरे फेस पर। और इसे प्रॉपरली किस तरह से अप्लाई करना है और इसका जो रिव्यू है मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा सेकेंड मेकअप प्रोडक्ट। मेरा बेस मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, अब मैं आई मेकअप करूँगी। तो उसके लिए मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। और जो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मैबेलिन न्यूड्स पैलेट। और गाइस, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ गोल्डन शेड, और इसे अपनी फिंगर की हेल्प से मैं अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। इससे बहुत ही इंटेंस कलर जो है वो आता है। उसके बाद मैं सेम पैलेट से लाइट शिमरी शेड लेकर अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट से ले रही हूँ गोल्डन शेड और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन के पास स्मच कर लूँगी। तो इसे स्मच करते हुए मैं अपने लोअर लैश लाइन के पास अप्लाई कर लूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा थर्ड मेकअप प्रोडक्ट जो कि है L18 का आई ड्रामा काजल, और मैं इसके थ्रू अपने दोनों आईज़ में काजल अप्लाई कर लूँगी। तो मैं अपने लोअर और अपर वाटर लाइन पर इसके थ्रू काजल अप्लाई कर लूँगी। और मैं आईलाइनर के लिए भी इसे ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसकी हेल्प से अपने आईज़ पर विंग आईलाइनर लगाते हुए आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा डार्क ब्लैक काजल है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी डिटेल्स, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपसे कोई प्रोडक्ट मिस होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, और आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन न्यूड्स पैलेट से ब्राउन शेड, और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। आईब्रोज़ फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईब्रोज़ फिल करने के बाद एक अलग ही लुक आता है आपके फेस पर। तो भले ही आप बिगिनर्स हैं या फिर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं, आपको आईब्रोज़ जो हैं वो डेफिनेटली फिल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है फेस पर। अब मैं मेरा फोर्थ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और ये है जस्ट गोल्ड का लिपस्टिक, और ये एक लाइट पिंक शेड है। तो मैं इसकी हेल्प से अपने चिक्स पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी, और बहुत ही नेचुरल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर एज अ ब्लश। तो मैं इसके थ्रू ब्लश अप्लाई कर लूँगी अपने चिक्स पर, और मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ अपने लिप्स पर भी। तो ये मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, और उसके लिए मैं द मैबेलिन न्यूड्स पैलेट से ही ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसके थ्रू मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। तो मैं अपने चीक्स पर एंड जो लाइन पर, नोज़ पर और मेरी फोर हेड पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, और अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड इसके थ्रू मैं कॉन्टोर जो है वो कर लूँगी। कॉन्टोरिंग ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इसके थ्रू बहुत ही शार्प लुक आता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। देन मैं मेरा फिफ्थ मेकअप प्रोडक्ट मैबेलिन हाइपरकल मस्करा अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलैशेस पर। उसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, और हाईलाइटर के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन न्यूड्स पैलेट से ही लाइट हाईलाइटर शिमरी शेड। तो इसके थ्रू मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। तो मैं ब्रिज ऑफ माय नोज़, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय चीक्स, देन मैं इसे अपने ब्राउ बोन्स पर भी अप्लाई करूँगी, और मैं इसे माय क्यूपिड बो, चिन एंड फोर हेड पर भी अप्लाई करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा शिमरी शेड है जो कि एक नेचुरल ग्लो देता है आपकी स्किन को,
और ये जो पैलेट है ये भी मल्टीपर्पज़ पैलेट है, बहुत से मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो इस पैलेट के थ्रू। और आपने जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि मैंने कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो इस पैलेट के थ्रू ही की हैं। और अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, तो ये है जस्ट गोल्ड का लाइट पिंक शेड, और इसका जो शेड नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मुझे याद नहीं है अभी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोगों ने ये लुक क्रिएट किया है। और मुझे लुक काफ़ी पसंद आया, नेचुरल मेकअप लुक है, एवरीडे में भी इसे क्रिएट किया जा सकता है। ना कोई कंसीलर इसमें यूज़ किया है हमने, और ना कोई कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, और सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं। तो बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा मेकअप लुक है, और अगर आप लोग भी इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली करिए, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। और अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।